फार्म ट्रैक 60-90 ट्रैक्टर भाई है, फोर व्हील ड्राइव 60-90 प्रो 4x4। इस वीडियो में इस ट्रैक्टर के बारे में पूरी डिटेल स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, कैसा क्या ट्रैक्टर है ये। जैसा कि ये ट्रैक्टर पूरा 90 HP का ट्रैक्टर है और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 90 HP के साथ साथ 4 सिलेंडर और टर्बो चार्ज विद इंटरकूलर के साथ में ट्रैक्टर है। जो बोर स्ट्रोक है इसके 98.122 और जो इसकी सीसी है 3680 सीसी में ये है। जो रेटेड आरपीएम इंजन के जो रेटेड आरपीएम है 2200 के साथ में है। एयर क्लीनर इसका ड्राई है और मैक्सिमम टॉर्क 445 और 1400 ERPM के साथ में ट्रैक्टर है। टाइप इंडिपेंडेंट क्लच के साथ डबल क्लच है इसमें और साइज क्लच का साइज 12 इंच बाई 12 इंच है। और जो ट्रांसमिशन जो गेयर बॉक्स है सिंक्रोमैक्स का गेयर बॉक्स है, 12+12 रिवर्स मतलब 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स बैक गियर के साथ ये ट्रैक्टर है और सिंक्रो शटल के साथ में है ये ट्रैक्टर। अगर हम इसकी बात करें क्या बच गया, हाँ डिफ लॉक पीटीओ जो इसकी है HP 73.5 -73.5 है, ये समझ में नहीं आया मेरे को क्या है। और जो पीटीओ आरपीएम है वो 540 चक्कर 1938 ERPM पे और 540 इकोनॉमिक पीटीओ 1648 ERPM पे साथ आता है। टाइप जो इसका पावर स्टेयरिंग के साथ में ट्रैक्टर है, स्टेयरिंग व्हील टिलेबल है, टिलेबल हाइड्रोलिक जो है 3 पॉइंट लिंकेज के साथ कैटेगरी 2 में आता है ट्रैक्टर। 2500 kg की लिफ्ट के कैटेगरी का ट्रैक्टर है। और अगर हम बात करें जैसा कि इसकी बात कम्फर्ट के मामले, जैसे स्टाइल के मामले में फार्म ट्रैक एकदम बिल्कुल स्टाइल काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी लाइटें आगे दोनों स्टाइल के मामले में ज़बरदस्त ट्रैक्टर बनाया, एकदम 90 HP की कैटेगरी का ट्रैक्टर है पूरा पूरा। और जैसा कि मैंने बताया ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है और ये बोस कंपनी का इनलाइन पंप है और 4 सिलेंडर के साथ ये ट्रैक्टर आता है अपना। बोस कम 4 सिलेंडर ही अपने बोस कंपनी का इनलाइन पंप और विद टर्बो के साथ में ट्रैक्टर है। इधर जो ये डीजल ऑयल टैंक, फाइबर का डीजल ऑयल टैंक दिया हुआ है ताकि मॉइस्चर वगैरह कम से कम बने। और इधर वाटर सेपरेटर भी दिया है, अगर मॉइस्चर बन भी जाए तो उसकी प्रॉब्लम ख़त्म। ये वाटर सेपरेटर जो कि आपके पंप की लाइफ को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। इधर ये डीजल ऑयल फिल्टर, ज़बरदस्त डीजल ऑयल फिल्टर, आप इधर यहाँ से अपने इंजन का ऑयल चेक कर सकते हो। और ये टूल बॉक्स, साइड में टूल बॉक्स दिया काफ़ी स्टाइलिश और हर चीज़ को कवर करके रखा गया है ताकि सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रख के, जो साइलेंसर है उसके हिसाब से भी सेफ्टी के जाली वगैरह लगाई गई हैं ताकि कोई इसको टच ना कर सके। और अगर हम इसके फ्रंट एक्सल की बात करें तो जो फ्रंट एक्सल है वो ये फ्रंट एक्सल काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए बनाया है। अगर आप डोजर वगैरह लगाना चाहते हो तो ईजिली आप लगा सकते हो इस पर डोजर। और जो पावर स्टेयरिंग है वो बैलेंस्ड पावर स्टेयरिंग ड्यूल एक्टिंग वाला सिलेंडर लगाया गया है इसके ऊपर, इसमें काफ़ी अच्छी हैवी ड्यूटी के लिए काफ़ी हैवी आर्म है। अगर हम इसका बोनट खोल लें, खींचिए इसको एक बार नीचे खींचिए, अगर हम इसका बोनट खोलें तो ये डबल ड्यूल सिलेंडर के साथ में ट्रैक्टर है। जैसा कि जो एयर क्लीनर है वो ड्राई एयर क्लीनर है इसका, काफ़ी बड़ा एयर क्लीनर है, ड्राई एयर क्लीनर है। और ये हेडलाइट इसकी काफ़ी अच्छी हेडलाइट लगाई गई इसके आगे और स्टाइल के लिए कंपनी ने यहाँ पे भी लाइट दी गई है, इंडिकेटर टाइप लाइट है ये। और ये टर्बो के साथ में ट्रैक्टर है, काफ़ी ये इधर बड़ी काफ़ी बड़ी टर्बो है और ये हाइड्रोलिक टैंक ये अलग से दिया गया ताकि आपके ऑयल में कोई प्रॉब्लम ना हो, सील वगैरह कटने का चांस कम हो। और नॉइस रिडक्शन के लिए कंपनी ने काफ़ी बड़ा साइलेंसर हैंडल लगाई इसके अंदर। इधर ये फिल्टर, हाइड्रोलिक फिल्टर, पावर स्टीयरिंग फिल्टर, इधर ये हाइड्रोलिक फिल्टर, इधर हाइड्रोलिक पंप काफ़ी बड़ा दिया है, ये हाइड्रोलिक फिल्टर है। और जो कि प्रेशर के लिए सारी चीज़ें इसमें, ये प्रेशर के लिए अलग अलग से सारी चीज़ें दी गई हैं इसके अंदर। और जो कंपनी ने बैलेंस बनाने के लिए बैटरी बॉक्स बिल्कुल आगे रखा है, ये बैटरी बॉक्स है, काफ़ी हैवी बैटरी बॉक्स है, इधर एक बम्पर के अंदर बनाया गया। जो ये प्लेटें लगाई 35 किलो की, 4 प्लेटें हैं, एक प्लेट 35 किलो की और ऐसी 4 प्लेटें लगाई गई हैं। और जो इसका फ्रंट टायर है वो TR 135 12.4 24 का टायर है इसका और काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए टायर बनाया गया है। जो हम अगर इसके पिछले बैक टायर की बात करें, जो बैक टायर है इसका वो अपना BKT कंपनी का 18.4 30 का टायर है और साथ के साथ कंपनी ने 3 प्लेटें दी हैं, 32 किलो की एक प्लेट है, 3 प्लेटें साथ के इसके व्हील के अंदर ही दी हैं।
और आप अगर एक दो और वेट भी करना चाहते हो तो भी व्हील के अंदर ही रहेंगे। अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे कंफर्ट के मामले में मैं बता दें, ट्रैक्टर स्टाइल और कंफर्ट के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर है एकदम। और अगर इधर से ऊपर चढ़ने के लिए तीन पायदान, आप ऊपर आराम से चढ़ सकते हो। इधर ये हैंडल पकड़ने के लिए जो पायदान है, पूरा जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल एकदम टोटली फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रैक्टर है। और ये डबल क्लच के साथ में ट्रैक्टर, जैसे कि ये गियर बॉक्स के लिए सिर्फ ये यूज़ होगी, और जो पीटीओ क्लच वो पीछे दी गई है वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। इधर ये 60-90, और इधर ये अगर आपको 4x4 यूज़ करना है तो आप ये गियर लीवर यहाँ दिया गया है 4x4 गियर लीवर के साथ। और रिवर्स फॉरवर्ड के लिए आप सीधा ये, आप यहाँ से रिवर्स और फॉरवर्ड, जैसा कि मैं बताया 12+12-, मतलब 12 गियर आगे और 12 गियर पीछे में ये गियर ट्रैक्टर है। और सिंक्रोमाइज गियर बॉक्स के साथ में ट्रैक्टर आता है। इधर पार्किंग सेंसर, पार्किंग ब्रेक पेडल हैंडल, और ये इधर क्लच, जो कि आप अपनी पीटीओ क्लच जो यूज़ करना चाहते हो आप आराम से यूज कर सकते हो पीटीओ क्लच ही सर। इधर ये भी एक और पीटीओ ईआरपीएम के लिए क्लच दी गई है, गियर दिया गया पीटीओ गियर लीवर वहाँ पे दिया गया। जो सीट है इसकी वो काफ़ी स्टाइलिश सीट है, एडजस्टेबल है, आगे पीछे ऊपर नीचे आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो सीट को। और इधर ये कंपनी ने लिफ्ट सेंसिंग दी है सेंस करने के लिए, ब्लॉक करने के लिए डिफरेंशियल लॉक के साथ में। और जो ये ट्रैक्टर मीटर है, इसका डीजल मीटर है 2500 RPM के साथ ये ट्रैक्टर आता है। तो स्टेयरिंग है काफ़ी स्टाइलिश स्टेयरिंग। अगर हम इसकी लिफ्ट की बात करें तो 2500 kg की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर है, जो कि अलग से हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाया कंपनी ने काफ़ी हैवी ड्यूटी के लिए। और एक लीवर यहाँ भी दिया है ताकि आपको अगर पीटीओ वगैरह रोकना है तो आप यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो अपने पीटीओ को। और सेफ्टी के ध्यानों को ध्यान में रखते कंपनी ने काफ़ी बड़ी फाइबर की छतरी के साथ दिया है ये ट्रैक्टर के साथ है ये ट्रैक्टर। और काफ़ी अच्छी लाइटें दी इसकी सेफ्टी के हिसाब से। ये फार्म ट्रैक 60-90। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।